हेलो, वेलकम बैक। न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस। ग्वार की फली, इसको बोलते हैं छिया। तो ग्वार की फली इस तरीके से होती है। और तो गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो ये जो छिया होती हैं, इसको आप इस तरीके से कच्ची भी बनती हैं, अगर आपको कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद ये इसकी चंदर से निकाल लेते हैं और इसे तोड़ के बनाते हैं। तो अगर वो वाली रेसिपी चाहिए हो तो भी मैं आपके लिए वो वाली रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो वैसे इसकी खुट्टी की छियाँ, ग्वार की फली या छियाँ, जो भी आप बोलना चाहें, वैसे इसका नाम ग्वार की फली होता है। तो चलते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। तो इसको मैंने ग्वार की फली को 2-3 पानी से धो लिया है, और धोने के बाद इसको इस तरीके से डोलची में रख लिया है और नीचे थाली लगा ली है ताकि पानी ये इसी में रहे थाली में। अब इसको डाल देंगे कुकर में। तो मैंने छिया को कुकर में डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको ढक्कन लगा देंगे, गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके इस कुकर रखेंगे और इसमें 1 सीटी लगाएंगे, और 1 सीटी लगानी है, 2 सीटी नहीं लगानी है। 1 सीटी के बाद इसको तुरंत नहीं खोलना है, थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। तो गैस मिलते हैं इसमें सीटी आ जाने के बाद। तो गैस कुकर में सीटी आ चुकी है और इसको मैंने बंद कर दिया है। 15 मिनट हो चुका है, अब कुकर को खोल के देखेंगे। ये आप गैस देख सकते हैं कि जो मैंने 1 सीटी लगाई थी, ज़्यादा नहीं, और इसको खोल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो गई है और ये इसकी जो नसें होती हैं इस तरीके से निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो गैस अब इस कुकर में से सारी छियाँ जितनी हैं ग्वार की फली, तो सारी निकाल लेंगे, और बड़ी सावधानी से कि ये मिक्स ना हो और टूटे ना। तो बहुत ही सावधानी से इसको करछली ले लेंगे, करछली की सहायता से इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से, ताकि ये ख़राब भी ना हो और आपकी ये टूटे ना। ग्वार की फली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, अगर जिसकी 2 सीटी लगा लेंगे तो ये बहुत मिक्स हो जाएंगी और ये आप फिर छील नहीं पाती है। तो इसलिए परफेक्ट 1 सीटी ही लगाइएगा। अब इसको निकाल लेंगे डोलची में। तो ये आप देख सकते हैं कैसे ग्वार की फली को बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद अभी अभी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ये छील लेंगे और इसकी जो नसें होती हैं ये निकाल देनी है। इसको तो फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है इसको, और इसको इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो है इस तरीके से ये निकालते रहेंगे और ये नसें निकाल लेंगे इस तरीके से। ये जो है अब इसकी बनती है सब्जी, तो चटपटी मसालेदार। तो गैस मिलते हैं इस तरीके से ग्वार की फली की नसें निकालने के बाद। तो गैस इस तरीके से जो इसके रेसे होते हैं ग्वार की फली के, वो मैंने इस तरीके से निकाल दिए हैं, और ये परफेक्ट इस तरीके से बना लेते हैं और इसको छील लेते हैं। इसको आप छीलना भी बोल सकते हैं, तो इसके रेसे निकाल देते हैं, इसको नसें भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने परफेक्ट निकाल लिए हैं, और एक पीस में अगर रह जाती है तो कोई बाई चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खाते समय आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो गाइस अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गाइस ग्वार की फली छौंकने के लिए गैस को ऑन किया है और इस पर रखी है कढ़ाई लोहे की। लेंगे गैस 1 चम्मच ऑयल, ऑयल गर्म हो रहा है गैस। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज डालना चाहें तो प्याज डाल सकते हैं। गैस मैं बगैर प्याज की बना रही हूँ बावला की फली, और इसमें प्याज भी पड़ता है और इसमें लहसुन भी पड़ता है डालने वाले के, और लहसुन भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ना ही मैं इसमें प्याज इसमें इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें लहसुन इस्तेमाल करूँगी, और क्योंकि विदाउट प्याज लहसुन की बनाऊँगी। और ऑयल गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको प्याज अच्छा लगता है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मगर मैं तो बगैर प्याज का ही पसंद करती हूँ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी। और इसमें डालेंगे हींग 1 चुटकी, 1 चुटकी जीरा, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून से कम, और इसी के साथ ही प्याज लहसुन भी भून सकते हैं। और इसके बाद ये जो बावला की फली है वो इसमें डाल देंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गैस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, प्रोटीन बहुत होता है। 1 टीस्पून में गैस मैंने बेसन लिया है, बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बेसन को इस तरीके से जो ऑयल है इसमें बेसन को भून लेंगे, बेसन गैस को हाई फ्लेम पर रखा है। बेसन भून रहा है, अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून से, थोड़ा ज़्यादा। चटपटी बनाएंगे गैस, चटपटी बनाने के लिए थोड़ी मिर्च मैंने ज़्यादा ली है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून से कम 1 चुटकी गरम मसाला,
बेसन भी भून लिया है और इसको चलाएंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा टी दो तीन टी स्पून पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बस इतना लेना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला, क्योंकि रसीली बनानी है और रसीली तो बनानी नहीं है, सूखी बनानी है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा रसे वाली, हल्की सी रसे वाली बनानी है तो थोड़ा सा पानी और ले सकते हैं। चार टीस्पून समथिंग पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको चलाएंगे और बीच में इसको कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाइस इस तरीके से यहाँ बागला की फली की सब्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन गई है, ग्वार की फली, सॉरी बागला की नहीं, ग्वार की फली इस तरीके से बन गई हैं। गैस को ऑफ कर देंगे, जब इसको सर्व कर लेंगे इसको 5 मिनट तक इसको इस तरीके से भूनना है। और भूनने के बाद जो पानी मैंने डाला था वो इस तरीके से जब सूख जाता है तो कढ़ाई में इस तरीके से चिपक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि परफेक्ट भून चुकी हैं। गैस को लो फ्लेम पर करके गैस को ऑफ कर देंगे। अभी मैंने लो फ्लेम पर किया है। तो ये बनके तैयार हो गई हैं, अब इसको सर्व कर लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये चिया की सब्जी बनके परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इसको बोलते हैं गाइज ग्वार की फली। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर इसमें प्याज डालो लहसुन तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये विदाउट प्याज लहसुन की, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हैं तो इस तरीके से आप बनाइएगा चिया की सब्जी। और आपके कमेंट बॉक्स में मेरे एक मैंने शॉर्ट्स की चैनल डालती हूँ, जो मैं कम्युनिटी ऑप्शन में आप देखिएगा, नोटिफिकेशन मैंने दी है और उसमें आप मेरे चैनल को शॉर्ट्स वाली वीडियो को भी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो गाइज आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, चटपटी मसालेदार चिया की रेसिपी। इसको आप चाहें तो पराठे से खाइएगा, चावल से खाइएगा, चावल से गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और चाहे तो पूरी से खाइएगा, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे खाइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये ग्वार की फली। इससे बेसन में बहुत ही ज़्यादा करारापन आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सो गाइस राधे राधे।